एवरीवन तक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। भाई साहब आज थोड़ा लेट हो गया है, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि भैया संडे था। संडे का मतलब समझते हैं, ढेर सारा काम, इतना ना आराम। तो मैंने कहा ठीक है, पहले कुछ बेसिक काम निपटा देते हैं, उसके बाद पहले एक वीडियो डाल देते हैं, उसके बाद करते रहेंगे काम। इसी की वजह से थोड़ा सा मैं लेट हो गई, उम्मीद करते हैं हमको माफ़ी मिल जाएगी। हैं चलो जी। तो भाई साहब, हमारी जिज्जी का वीडियो कल आवा था, और जो कल वीडियो आया उसमें जिज्जी ने बहुत कुछ फील कर लिया। भाई साहब, लोगों की अच्छी आदतें याद आ रही हैं, जो कि हम लोग कब से गुहार लगाए रहे थे कि हे छटकन्नी जिज्जी, मानते हैं कि आपके कागजी जितने भी रिश्ते हैं सब में भाई बुराइयां ही बुराइयां, अत्याचार ही अत्याचार करे हैं तुम्हारे साथ, लेकिन कभी कुछ तो अच्छा किया होगा, तो कभी वो भी याद किया करो, वो होती इंसानियत। आपके साथ भाई उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो जिज्जी भी बहुत कुछ पे तो नहीं आई है, लेकिन डब्बों वाली आदतों पर आ गई हैं कि भाई मेरी आदत है कि घर के जो खलिहर डब्बा होते हैं उनका धोए सुखाए के रख देते हैं, फिर एकदम से कोई चीज़ रखनी हो तो उसमें जाके वो सामान अच्छे से रख दो। और ऐसे ही किसी एक और महिला की आदत थी जो मुझे याद आ रही है ना, और वो भी ऐसे ही करती थी कि सारे डब्बा डुब्बे धोए धाए के रख देते थे, और फिर जब कुछ सामान ऐसा होता था तो सुखाए उखाए के उसमें रख देते थे एकदम से। और अब मैं बदल चुकी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यार कि चलो ठीक है, हर किसी में कुछ ना कुछ समस्या होती है, तो बुराइयाँ कितनी भी हों पर अगर उसने कभी कुछ अच्छा किया तो उसको भी याद रखो। चलो जीजी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये इंसान जो कि मुझे लग रहा है इनकी कागजी सास की आदतों के बारे में बोल रही होंगी, विगत दिनों में कागजी जीजा के वीडियो में हमने देखा था कि भाई वो अपने किचन में जो डब्बे हैं वो चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि मम्मी जी हर कोई डब्बा किसी भी चीज़ का आता है वो धोए हुए कि किचन में शामिल कर लेती हैं। अब मेरा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर ये कागजी फैमिली में से है कोई सदस्य, तो भाई मैं यही कहना चाहूँगी इस सदस्य के लिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। वैसे आपके ऊपर बहुत सारा इल्ज़ाम लग चुका है, अभी तक सिर्फ आप अत्याचार में आते थे, कुछ गलत चीज़ों में ही आपका जिक्र किया जाता था, लेकिन जिज्जी ने आज आपका एक प्लस पॉइंट बताया था। इट मीन्स जिज्जी का हमारा दिमाग बदल रहा है। देखो जिज्जी, अच्छी चीज़ है अगर ये तुमने किसी स्क्रिप्ट की वजह से या फिर किसी दूसरे प्लान की वजह से नहीं किया, तारीफा करके अपने दिल जिगर किडनी के लिए थोड़ा जगह तो उधर नहीं चाह रही हो कि भाई मम्मी जी का दिल पिघलाना चाहती हो कि अरे मम्मी जी आपकी बहुरी आपके डब्बों की बात याद कर रही है, वैसे कभी आपके साथ भी कुछ अच्छा किया है ना उन्होंने, तो उसके बारे में भी बताइए तो दर्शकों को अच्छा लगेगा। भैया देर आए पर दुरुस्त वाली बात हमने सुनी है और आप सबने भी सुनी है, तो अगर आप ऐसी कोई वार्तालाप करती हैं, कागजी पति ने भी कभी कुछ अच्छा करा होगा, सास ने भी कभी कुछ अच्छा करा होगा, तो इंसान बन के दिखाइए, उन अच्छाइयों को याद कीजिए। देखो जो भी बुरी चीज़ें होती हैं, जो भी नेगेटिव वाली चीज़ें होती हैं, वो तो हर कोई याद रखता है। अच्छी चीज़ों को याद रखोगे तो मन शांत रहेगा, अशांति से दूर रहेगा। वो अपना लेटगो वाला फॉर्मूला अपनाइए और अच्छी अच्छी चीज़ों को, अच्छी अच्छी यादों को, अच्छी अच्छी बातों को याद कीजिए। हैं फिर आते हैं भाई जिज्जी को जो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कॉमेंट्स आते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लोग पूछते हैं। कहाँ पूछते हैं, आपको पता है कि नहीं पता ये पहले बताओ। चलो छोड़ते हैं खैर। हाँ, अब एक चीज़ और, जिज्जी ने कहा कि मैं हर किसी का दर्द बहुत अच्छे से महसूस कर पाती हूँ, और ये शायद टाइम के साथ होता है या फिर जब आप माँ बनो तब होता है। मतलब सीरियसली दीदी, सच में आपने ये दिल से कहा है, आपने फील करके देखा है या फिर कोई दूसरे तरीके से यहाँ पर आप इस बात को बोल रही हैं? अगर सच में आपने फील किया हर किसी के दर्द को, तो चलिए अच्छी बात है, अब यहाँ से आप एक अच्छी इंसान बनेंगी। लेकिन अब ये कितने दिन टिकता है, क्योंकि आपने विगत दिनों में जो भी बात करी है वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाती है, तो इसलिए हम थोड़ा सा भरोसा कर नहीं पाते, भरोसा थोड़ा डगमगा जाता है। लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि आप ये जो फील कर रही हैं, हमेशा ऐसे फील करती रहें, हर किसी का दर्द तकलीफ समझती रहें। लेकिन देखिए, अब उन लोगों का दर्द समझने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अब शायद वो लोग नहीं ना बदलेंगे, उन्होंने बढ़िया एक स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लिया है। अब अगर आप किसी का दर्द तकलीफ समझ सकती हैं, तो अपनी भाभी जी का समझिए, क्योंकि ये रिश्ता आपके पास है और ये रिश्ता भी आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आपकी बीमारी में क्योंकि आपके हर चीज़ में ये बंदी आपके काम आती है। आप बीमार हो, मम्मी नहीं है, बड़की बहन नहीं है, जो बोले थे हम खड़े रहेंगे बाकी वही है। तो उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप समझें, अच्छे से समझें, और अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। समझदार के लिए इशारे काफ़ी है, और अभी जो पास में है आप उसका दुख दर्द समझिए, क्योंकि विगत दिनों में बहुत ज़्यादा आपने ऐसी कुछ बातें इंटरनेट पे बोल दी हैं जिससे आपके ना व्यक्तित्व पे सवाल उठने लगा कि भाई ये जो महिला है, लड़की, हाँ जी, तो ये जो लड़की है, टीनेज लड़की जो कि अभी मैच्योर नहीं हुई है, और इनका ना कागजी ससुराल के साथ ही ऐसा व्यवहार नहीं था, अपने घर की भाभी के साथ भी ऐसा व्यवहार है, तो इस चीज़ को थोड़ा बदल के दिखाइए लोगों को। तो न जाने क्या क्या सफाई आप दे रही हैं, ये सिर्फ उम्मीद करते हैं कि
एक स्क्रिप्ट ना हो, अब आने वाले टाइम में ये दिखना चाहिए, तभी हम मानेंगे। अब आप कह रही हैं कि भाई अगर ऐसे जो सवालात आते रहते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो या कमेंट के माध्यम से हो, अगर आप रिप्लाई करती रहेंगी तो आप अपना काम नहीं कर पाएंगी। तो ये जिजी आपने पहले नहीं सोचा? आप तो भाई हर चीज़ का रिप्लाई देती हैं जब कंटेंट का अभाव हो जाता है, और अगर आप इस चीज़ पे अडिग हो जाती हैं तो बेहद अच्छी बात है, लेकिन फिर टोंटबाजी भी मत करिएगा। अगर आप टोंटबाजी करेंगे तो देखिए, समझदार हैं सब लोग, बेवकूफ़ नहीं है, होशियार आप हैं लेकिन दूसरे भी होशियार हैं, बुद्धू नहीं हैं। तो अगर आपने बातों बातों में, इशारों इशारों में कुछ इधर या उधर केंद्रित करने की कोई बात करी तो सब समझ जाएंगे कि ये बात किसके लिए है। और आपने जो बोला कि भाई बग्गा के वीडियो में जो तमाम तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि परेतिन ऐसी है, परेतिन वैसी है, बात एक आध पढ़ के बता देते कि परेतिन के बारे में आपको कौन सी बात अच्छी नहीं लगी। देखिए, जनता हर चीज़ आपको नोटिस करती है, तो अगर बोल रहे हैं कि परेतिन ऐसी है, परेतिन वैसी है, तो उनको हेटर ना समझिए, परेतिन को बदल के दिखाइए, परेतिन का एक अच्छा व्यक्तित्व लाइए। वो तो जनता बोलेगी कि वाह यार, परेतिन के स्वभाव में ज़बरदस्त बदलाव आ गया है। तो ये तो सब आपके ऊपर होता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। जनता के ऊपर आप उंगली उठाएंगे, जनता बताइए बग्गी की तारीफें क्यों कर रही है? अब उसमें कोई पर तो लगे नहीं है, है ना, या फिर वो कुछ अलग से ट्रीटमेंट दे रही है, उसकी आदतें, और उसकी माँ की जो तारीफ़ें हो रही हैं कि उसकी माँ ने बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं, फलान दमाक, तो क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें चाहे तो आपकी तरह भी गुस्से में रिएक्ट कर सकती, जिस तरीके से आपने उसकी इमेज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी थी कि मैं तो अकेली हूँ, मैं तो करूँगी, फलान दमाक, बहुत सारी बातें, वो तो सब आप लोग जानते ही हो। तो वो चाहती तो ओवर रिएक्ट कर सकती थी, या तो टोंटबाजी करके, लेकिन ना, उसने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करी जो आपको हर्ट करे। इवन वो ट्रैकिंग करके आई तो भी आपके लिए लगातार तत्पर थी, आपके लिए दलिया बना रही थी, खिचड़ी बना रही थी, बाजार से जाकर फल ला रही थी, आपके साथ डॉक्टर के साथ भी गई, डॉक्टर के पास भी गई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको नोटिस की होंगी आपने, नहीं करें, काश करें। ये सिर्फ स्क्रिप्ट ना हो कि अगर आप वाकई में अपने व्यक्तित्व को बदल रही हैं, अपनी शांति सुकून के साथ ज़िंदगी जीना चाहती हैं, जो कि आपने खुद बोला है, तो अगले 5 से 6 दिन में पता चल जाएगा अगर वाकई में बदलाव हुआ है। क्योंकि अगर आपका स्क्रिप्ट होता है तो दूसरे वीडियो में ही समझ में आ जाता है। और जो आपने ये बोला कि लोग बोल रहे हैं कि भाई मम्मी को यहाँ पे होना चाहिए, देखो लोग गलत तो नहीं बोल रहे हैं, मम्मी का जाना ठीक है, बहुत ज़रूरी है, अभी उनका रिटायरमेंट हो गया है, तो आपके बच्चे के बर्थडे के बाद भी जा सकती थी, लेकिन मम्मी को भी जब तत्परता लगी होती कि नहीं अभी जाना है तो मतलब जाना है। आप एक तरीके से फिर से एक बात बोल रही हैं कि मम्मी जी ने किसी को ना प्रतिबंध नहीं लगाया है कि तुम ये ना करो वो ना करो, सब अपने अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है, अपने अपने हिसाब से जी रहे हैं, पर उस बंदी ने कल बोला था ना कि शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, शादी से पहले जो वाइब आ रही थी कि वाओ ऐसा होगा वैसा होगा, जो आप लोग अपना एक इसमें केंद्र करके दिखाए थे कि हम बच्चा ला रहे हैं, हम सीट के बाद उसको समझेंगे, मम्मी जी तो कह रही थी उसको खाना बनाना और दुनियादारी सोचना ही नहीं, वो भी ब्लॉगिंग करे, घूमे फिर अपनी लाइफ इंजॉय करे, यही शब्द थे मम्मी जी के। और मम्मी जी तब से 9-2-11 हो गई, भाई उसने अपने घर में कभी करा भी नहीं, उसके बाद भी उसने जिम्मेदारियां संभाल ली। तो आप ये जो यहाँ पर बयानबाजी कर रही हैं कि उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो भाई प्रतिबंध किस चीज़ का? बाकी चीज़ें तो कर ही रही है भाई, उसने इस बार पूर्वजों का भी सर नवाने वाला जो कार्य है, पूजा वूजा, वो भी संभाल लिया, बाकी की चीज़ें भी कर रही है, जितनी सफाई वफाई है नीचे ऊपर वो भी कर रही है, ऊपर मतलब आपकी भी कभी ना कभी हेल्प करवाती ही है ना, अब इन दिनों में नहीं करवा रही वो दूसरी बात है, हाँ, पर आपके लिए खाना पानी और जितना भी सब कुछ करना है, आप खुद बोल रहे हो कि आप बीमार हो, टाइफाइड ही तो हुआ, आप नॉर्मल तरीके से इसको रिएक्ट कर रहे हो, रिकवर बहुत स्पीड से कर रहे हो, तो इतने सब कुछ था, ये नॉर्मल बीमारी थी तो इतना ज़्यादा तांडव मचाने की क्या ज़रूरत थी? उसके ऊपर लोग सवाल उठा रहे थे, आपके टरू वाले जब बोल रहे थे कि उसको अभी बस जब देखो भाभी को घूमने घूमना लगा रहता है, जब देखो टांग उठा घूमा करती है, उसको जाना नहीं चाहिए, और जो कि आप लोगों ने भी शायद उसको यही समझाया है कि अगर मम्मी नहीं है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है घर की बहुरिया के नाते, लेकिन आप लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है किसी के प्रति, है ना, वो दिख रहा है इतने दिनों में।
भाई दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझा रहे हैं, कभी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए। मतलब लगातार 2 दिन से आपने जिम्मा संभाल लिया कि लोगों को आप समझाए कि रहेंगे ना जी ना, लोग और भी सवाल उठा रहे हैं। और आपने मम्मी के बारे में इतनी ज़्यादा सफाइयाँ दे दी। बहन ठीक है, मम्मी अपना अपना जॉब कर चुकी हैं जिंदगी भर, तमाम लोग जॉब करते हैं, उसके बाद क्या एकदम पगलाए थोड़ी जाते हैं। अगर जाना था जाती, चलो ठीक है, अगर तुमको इतना ज़्यादा है कि नहीं आप अपना आप जितना भी रायता फैला है आप संभाल सकते हो अपने आप को भी, और टाइफाइड ही तो है फलान दमाक, तो इतना ज़्यादा त्रिया चरित्र करने की ज़रूरत नहीं थी सिर्फ भाभी को टारगेट करने के लिए कि क्या करना है, भगवान ने तो मुझे अपने आप ये सारी चीज़ें दे दी हैं, मेरी किस्मत ऐसी लिखी है। अब किस्मत के लिए भी आप भगवान को दोष दे रही हैं, हालांकि हरकतें सारी आपने करी हैं, चाहे वो बुरिया बिस्तरा उठा के भाग आना हो, चाहे वो जितना रोकते रहे आप भाग गए, फिर उसके बाद लाइव भी भगवान ने ही कराई थी। फिर घर की छोटी छोटी मोटी बातें जो लोग बेड के नीचे घुस के सुन रहे थे वो भी भगवान ही ने बताई थी, है ना। तो भगवान को दोष देना बंद करिए। मम्मी को अगर इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कभी भाई बड़ी जिज्जी के साथ रह नहीं पाई, कभी घूम घाम नहीं पाई, जिज्जी इस बात से सहमत नहीं हूँ मैं। चलो रह नहीं पाई ज़्यादा दिन वो समझती हूँ, क्योंकि नौकरी पेशा इंसान ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, लेकिन घूम नहीं पाई ये गलत बात है। मम्मी जी हर महीने जब भी तुम लोग कहीं जाते हो, चाहे शिमला जाओ चाहे सोलन जाओ, गोवा तक मम्मी जी घूमे, मुंबई और न जाने कहाँ कहाँ भाई है? फिर बोल रहा हूँ मम्मी जी घूम नहीं पाई। और अगर इतना ज़्यादा मम्मी जी की चिंता है तो भाई साहब जो आपने यहाँ त्रिया चरित्र करा है, आपने सोचा कि सिर्फ भाभी टारगेट होगी, आप ये भूल गए कि आपकी मम्मी जी के ऊपर भी लोग सवाल उठाएंगे, क्योंकि भाभी तो अभी आई है, इसी साल एक साल भी उसकी शादी को नहीं हुआ, तो उससे लोग इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी की उम्मीद भी नहीं करते हैं, है ना। यहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि चलो मम्मी जी को होना चाहिए अगर बेटे उन्हें इतना ज़्यादा परेशान है, है? अब आपकी ये आम बीमारी हो गई। उस दिन डॉक्टर ने कहा है प्रॉपर रेस्ट करिए, हो सकता है मेरी ब्लॉगिंग में भी अब कई दिनों का गैप हो जाए, चलो मैं ये बना के डाल देती हूँ, अब आगे मुझसे वीडियो बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, खाना भी बनाना है, चाची को बुला लूँ, लेकिन कोई बात नहीं मैं बीमार आत्मा खाना बना लूँगी। आपने इतना ज़्यादा प्रचार कर दिया बीमारी का, तब लोग मम्मी जी को बोलने लगे, मम्मी जी को भी लोग टारगेट करने लगे, हैं, तो आपके आप लोगों के ऊपर भारी पड़ गया। हाँ, अगर भाभी जी को ही सिर्फ टारगेट किया जाता तो आप लोग बिल्कुल खुश हो जाते, लेकिन कहते हैं ना आप कितनी भी शातिर हो, हैं, सब्सक्राइबर्स भी समझ रहे हैं कि कब कहाँ आप क्या करवाना चाहती हैं, कैसी इमेज क्रिएट करवाना चाहती हैं। तो भाई साहब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब मम्मी जी के बारे में बार बार सफाई, उधर बड़कन्नी भी दे रही, आप भी लगातार 2 दिन से दे रहे हैं, मम्मी जी कहीं ज़्यादा तो नहीं आपको गरिया रही हैं कि ना स्पीटी तूने मेरे घूमने में खलल डाल दी है। अब इतनी छोटी बीमारी थी तो 2 दिन से जो क्रियाकलाप आपने किया है वो काहे किया। और आप जो बोल रहे हैं कि लोगों को क्यों दिक्कत है, तो भाई लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, दिक्कत आपको थी, आप अपनी दिक्कत यहाँ पर व्यक्त कर रही थी, तो लोगों को प्यार जागा आपके ऊपर कि माता को नहीं जाना चाहिए, अभी एक बेटी को उसकी माँ की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए अगर वो बीमार होता है तो माँ ही सबसे ज़्यादा केयर कर सकती है। और आप भी तो हर वीडियो में मम्मी होती तो ऐसा होता, मम्मी होती तो वैसा होता, खैर मम्मी से मैं ये पूछाई, मम्मी से मैं वो कॉल करके ये सामान ले आई, लगातार अब मम्मी मम्मी कर रही थी छोटी बच्ची की तरह। और आप बोल रहे हैं कि अब लोग टारगेट कर रहे हैं, लोग भैया टारगेट ना करेंगे, आप अपने घर परिवार की बातें यूट्यूब पे ना लाएं, और अगर लाएं और ऐड लगा चलाए रहे तो फिर आप लोगों को कहना बंद करिए, क्योंकि यूट्यूब में ना नीचे कमेंट सेक्शन दिया गया है। अब जब कमेंट सेक्शन दिया गया तो जाहिर सी बात है लोग अपने मनोभाव व्यक्त करेंगे, फिर आप किस हिसाब से कह रहे हैं कि लोग ऐसा कह रहे हैं, लोग ऐसा, लोग जैसा देख रहे हैं। आपके मुंह से कितनी बार मम्मी का जिक्र हुआ कि मम्मी होती तो ऐसा कर देती, मम्मी होती तो वैसा कर देती, मम्मी होती तो मैं नीचे ज़्यादा देर रहती, ये सारी आपने इस जिव्या से बोली हैं। और आप भूल गए अब लोगों पे आ गई, आप बोल रही हैं कि भाई बग्गा बग्गी अब दो लोग हो चुके हैं, हैं अब वो अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे हैं, मैं अपने हिसाब से रह रही हूँ, तो मम्मी जी किसी को कोई बोझ देके नहीं गई, सबको पता है मम्मी जी किसी को बोझ नहीं दे गई, फिर आप लगातार बार बार टारगेट क्यों करवा रही हैं अपनी भाभी को, हैं? आप ये एक बार सोचिए, आप दिमाग बहुत होशियारी से यूज कर रहे हैं, आप इतने अगर एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग कर रहे हैं, नो डाउट बग्गा बग्गी आपके दुख में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हर तरीके से जब आपको गालियां पड़ने लगी हैं तब आप अच्छा बन के आई हैं, नहीं लगातार आप सिर्फ और सिर्फ टारगेट करवा रही थी बग्गा बग्गी को। और अभी हमारे परिवार का ये डिसीजन है
कि मम्मी रिटायरमेंट के बाद वहाँ जाएंगी रहेंगी, तो भैया किसी को कुछ मतलब नहीं है कि आपके परिवार का कोई अमेरिका में रहे, लंदन में रहे या पटना में रहे, या दीदी को भी मम्मी बराबर है, आपकी भी मम्मी बराबर है, मम्मी को किसकी ज़रूरत है, कब ज़रूरत है, ऐसे ना जनता जनार्दन को कतई इतना भी फर्क नहीं पड़ता। अगर ये अपना रोना धोना आपने ना मचाया होता तो लोग कुछ ना कहते कि भाई मम्मी को यहाँ होना चाहिए, फलान धमाक। आपने अपना बेचारीपन यहाँ पर दिखाया तब लोगों ने बोला, और आपके सब्सक्राइबर्स जो आपके टरू वाले हैं उन लोगों ने बोला कि मम्मी को इस टाइम पर इतिन को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, उसकी लाइफ में वाकई में बहुत सारी चीज़ें खराब हो चुकी हैं, इस टाइम मम्मी भी चली गई। तो भाई ये सारी चीज़ें आपने करवाई हैं, अब इनडायरेक्टली लोगों को या फिर बग्गा बग्गी को टारगेट कर रही हैं। वाह जी वाह, ये आपका काम बढ़िया है, बहुत बढ़िया है भाई। जिस तरीके से आपने मम्मी का प्यार बन के बोला है ना, मम्मी की इमेज को साफ करने के लिए लग गई, लोगों की भावनाओं को बदलने के लिए लग गई, इससे लग रहा है या तो मम्मी जी ने आपको बहुत ज़्यादा तौला है, या तो बड़कन्ने जिजी और नोना जिजा ने आपकी क्लास लगाई थी, सुन अपनी ना ये हरकतें बदल ले, मतलब इतना ज़्यादा आपने सफाई दे दी भाई, कमाल है। अब मम्मी जी जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, मम्मी जी सबसे डिस्कस करके गई हैं, और वैसे मम्मी जी को ना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मम्मी जिस घर की मुखिया हैं। हेलो, थोड़ा सा पीछे जाओ, 2 साल पीछे, जब आपकी सासू अम्मा कोई छोटी सी चीज़ भी बोलती थी घर के रिगार्डिंग, तो क्या वो आपके घर की मुखिया नहीं थी? आपकी मायके में आपकी मम्मी जी मुखिया हो सकती हैं, लेकिन ससुराल में ना मम्मी जी अगर आपका कोई छोटा सा डिसीजन लेती थी, चाहे वो नहाने धोने या किसी भी रिगार्डिंग लेती थी, तब आपको अत्याचार लगता था, और अब मम्मी जी का यहाँ पर आप एक मुखिया वाला रूप दिखा रहे हैं, मतलब खुद की मम्मी मुखिया है, खुद की मम्मी जो लेगी डिसीजन वही पूरे घर को मानना पड़ेगा। और वहाँ पर तो आपने कभी मानी नहीं, इवन दोपहर में वहाँ पर आप डायपर फेंकने नहीं गई तो अत्याचार कर दिया। सासू अम्मा ने कहा पहले पुराना दूध खत्म कर लो, तो ठंडा दूध दिया जा रहा था, पुराना दूध दिया जा रहा था, झाड़ू पोछा पानी ना ले जाने का ना पीने का, एक इतने सारे इल्जाम आपने लगाए थे, कुंडी बंद करके आप दिन भर रोया करती थी, भूल गए वो सारी चीजें। तो वहां पर भी घर की वो मुखिया ही थी, काश कि उस टाइम आपको बुद्धि आ गई होती, लेकिन नहीं, उस टाइम तो अत्याचार दिख रहे थे और ये बोला जा रहा था कि मेरी बेटी लाखों कमाती है तो उसके हिसाब से चलेगा, तो कहा अब बग्गा बग्गी लाखों नहीं कमाते हैं, अब मुखिया का कैसे चलेगा? जब अपने ऊपर आती है तो लोग कैसे बदल जाते हैं। यही होता है सच्चाई। जब लोग बोल रहे थे वहां पर आपको बेड पे बैठे बैठे मिलता था, आप सिर्फ अपने वीडियो एडिटिंग किया करती थी, कोई बिट्टी लेके आ रहा है, कोई रात में कुछ ला रहा, कोई 6 प्रकार के फल फूल काट के दे रहा है, आपकी सासू अम्मा आपको बड़ी से बैठाए बैठाए कितना खियाई हैं, करी होंगी आप भी कुछ बहुत, लेकिन जो आपके 6-7 महीने थे, किस तरीके से 5-5 तरीके के फल आपको मिलते थे उस टाइम, भाई सासू अम्मा ने नहीं सोचा कि मैं मुखिया हूँ तो मैं ऐसे कर दूंगी वैसे कर दूंगी। वही कहते हैं कि भाई साहब अगर अच्छी चीज़ों को आप लात मारते हो तो बाद में आपको पता चल ही जाता है, और यहाँ पे सिर्फ अब मम्मी का सफाईनामा लेके आ गई हो, लोगों को टारगेट कर रही हो कि लोग कौन होते हैं बोलने वाले, अगर मेरे घर परिवार वालों को मेरी मम्मी को नहीं इस चीज़ से फर्क पड़ता है। लोग वो होते हैं बोलने वाले जिसको तुम अपना ये नौटंकी ड्रामा दिखाए के ऐड लगाए के पैसा कमा रहे हो, अगर ये लोग ना आपके वीडियो नौटंकी ड्रामा को ना देखें ना, तो आपके घर में डॉलर नहीं बनेगा जिससे आप लोग अपनी लाइफ मेंटेन करते हो, जारा सितारा न जाने कौन कौन से ब्रांड पहनते हो, हैं जो ये काँव काँव करते हो, हर दूसरे दिन ट्रिप पे निकल जाते हो। भाई जब मेहनत करके कमाओगे ना 8 घंटे में, 8 दिन भी जॉब ना कर पाओगे, प्राइवेट जॉब बहुत मुश्किल से होता है, गवर्नमेंट जॉब तो मिलने से रही है ना, तो यहाँ बस आए के पटर पटर मुंह चलाए के पैसा बन जाता है, और लोगों को ही टारगेट कर रहे हो कि लोग कौन होते हैं। अरे आप हरकतें अपनी बंद करो, जब ऐसी हरकतें करना बंद कर दोगी तो लोग नहीं बोलने आएंगे, लोग बग्गी को अब क्यों नहीं बोल रहे, पहले बग्गी को भी बोलते थे ये वो फलान ढमक, अब बग्गी ने अपनी चीजों को सुधारा, तो अब आ गई आप लोगों पे, वाह जी वाह क्या बात है। तो उम्मीद करते हैं अब आप इस चीज़ को समझ गई होंगी। जाते जाते एक चीज़ और बोलना चाहूंगी, फिर हमारे जज्जी भैया सूट वूट बदल के, हमारे बिंदी बिंदी लगा के दुपट्टा पल्लू उल्लू रख के जैसे लग रहा था ससुरारी में,
तो पूरा एकदम वैसे आई कि अब हम लोग नीचे जाएंगे खेलने, हम लोग मतलब बच्चा और आप, है ना, दोनों जाएंगे। तो भाई लोगों से पूछा है सूट कैसे लग रहा है बताना आप लोग कमेंट करके, बिल्कुल भी मत बताना, फिर कहेंगे आप कौन होते हैं बताने वाले हमारे घर परिवार के, हमारे सूट के बारे में, बिल्कुल भी कोई भी मत बताना, मतलब जी। फिर भाई बच्चे के साथ कैसे काम करना है, बच्चे के साथ काम करना कितना टफ हो जाता है, बाकी लोग भी करते हैं पर अगर हम ब्लॉग में बता रहे हैं, ब्लॉगर हैं तो बताएंगे ना कि हमने कितना काम किया कितना काम नहीं किया। बच्चे के साथ सिंगल मम्मी अकेले काम नहीं कर सकती। जी, सिंगल मम्मी तुम सिर्फ अकेली नहीं हो, बहुत सारे दुनिया जहान में सिंगल मम्मी हैं, लेकिन आपके जैसे रोना नहीं रोते हैं, बताने का तरीका भी अलग होता है कि हमने ये भी कर लिया ये भी कर लिया है और बच्चे का भी सारा सब कुछ हो गया है, वो पॉजिटिविटी के साथ। आप बताते हैं सिंगल मम्मी हूँ, ये भी करना बाकी है वो भी करना बाकी है, क्या कर सकती हूँ मुझे ही करना पड़ेगा। बाय द वे ये लाइफ आपने ही सेलेक्ट करी, किसी ने आपको दी नहीं, आपका ये सिलेक्शन था सिंगल मम्मी बनने का। चलिए दर्शकों अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और जाने से पहले भैया अपने मनोभाव व्यक्त किया कीजिए, कमेंट करने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कीजिए, अपने विचार व्यक्त करेंगे तो भाई कुछ चीज़ें हैं ना जो जी हमारा डिलीट कर देती है, लेकिन शब्दों का उचित चयन करिएगा। आप किसी के लिए भी लिखें लेकिन अपशब्द लिखेंगे तो मुझे डिलीट करना पड़ेगा। चलिए जी अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।